ट्रैफिक विभाग ने आज उधमपुर के सलाथिया चौक में नाका लगाकर अवैध तौर पर गाड़ियों को सड़क में खड़ी करने पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और उनके चालान काटे। ट्रैफिक विभाग का कहना था कि सड़कों पर गलत तरीके से गाड़ियों को खड़ा ना करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे उस तरफ रखी हुई है, वैसे पार्किंग एडवोकेट से रखी होनी चाहिए। दो दिन पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट की है कि रॉन्ग पार्किंग में कोई गाड़ी नहीं लगाए, क्योंकि दुकानदारों का बड़ा इशू था कि यहाँ पर गाड़ी लग जाती है, लोगों को चलना मुश्किल होता है, और साथ में कोर्ट से तो यहाँ पर जगह बिल्कुल नहीं लोगों को चलने के लिए। आज सुबह अफसरों ने ये हमें मैसेज दिया कि आप मौके पर जाकर गाड़ियों को निकालो, और जो नहीं निकल रही है उनको ये मशीन चलान करो, उन्हें चिप चलान करो। मैक्सिमम यहाँ लोगों को चिप चलान की है हमने, लोगों ने भी साथ दिया, मार्केट वालों ने भी साथ दिया सर हमें। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को सर? अब सोच समझ कर गाड़ी साइड पर लगानी चाहिए उन्होंने, कि लोगों को तकलीफ नहीं, चलने में तकलीफ नहीं हो, कि किसी गाड़ी में जाम नहीं लगे। जिला आयुक्त कार्यालय सामने है, कोर्ट कम्प्लेक्स सामने है, पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण लोग जो है मार्ग पर अपने वाहन खड़े करते हैं सर। लोगों की भी मजबूरी है, लोगों की भी मजबूरी है सर। हम इस बात में हम भी समझ लिया कि जो लोग मार्केट में दुकानें कर रहे हैं सर, उनकी कंप्लेंट ज़्यादा कि ये रोड में गाड़ी लगा लेते हैं तो हमारे कस्टमर जो खराब होते हैं। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.